बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हौसला। हौसला क्या होता है, उस पाठ के बारे में आप लोग अध्ययन करिए। जुलाई का दूसरा सप्ताह, 15 जुलाई सन 1979, अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसका उसी दिन दाखिला हुआ था, नाम माइकल। उसका नाम था बच्चों माइकल। स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबसे सबकी आंखों का तारा हो गया। उसके व्यवहार से सबके प्रिय हो गया। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया, मुझे भी पता न चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरी प्रतिद्वंद्वी भी था। लेकिन कंपटीशन भी पढ़ाई में उसका था, प्रतिद्वंद्वी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ लगी रहती थी। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में, माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता मैं भाषण में, उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कक्षा में बुलवा लिया। बोले, बेटा, तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है, मैंने वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी, अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी ने जी से मिलकर तैयारियाँ कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मंजीत मैडम जी से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए। पूरे सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस खुशी को सबसे साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी तरफ से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गंवा चुका था, रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती, कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। इसी बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियाँ आती रही जो धीरे धीरे कम होती गईं। वर्षों के अंतराल ने हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढती, पर माइकल का कहीं कोई अता पता न था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था, सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, मैंने चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घोषक ने बताया कि उद्घाटन एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा, मेरी आंखें खुशी से भर आई। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया। इसके बाद माइकल हम सबको वहाँ ले गया जहाँ वह रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है ना अविनीश, वह दुर्घटना। टांगे गवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था, अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी ला कर दिया। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपका अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। ये पाठ समाप्त हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ देख लीजिए। बुलंदी, बुलंदी का अर्थ होता है ऊंचाई या उत्कर्ष। दाखिला, दाखिला का अर्थ होगा प्रवेश। प्रतिभा का अर्थ होता है असाधारण बुद्धिमत्ता या गुण। हताशा का अर्थ होता है निराशा। प्रतिद्वंद्वी का अर्थ होता है मुकाबला करने वाला। प्रतियोगिता का अर्थ होता है होड़। हौसला का अर्थ होता है उत्साह। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। अंतराल का अर्थ होता है कालों के मध्य का अवकाश। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।